जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दो बातें जो आपका जीवन बदल देगी, ये कौन सी है दो बातें? ये दो बातें क्या कहना चाहती है और ये दो बातें आपको क्या सिखा रही है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बिजनेसमैन की और एक नाव चलाने वाले की। दोस्तों, हमें इनकी कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उस बिजनेसमैन का प्लान था उस छोटे से गांव में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलने का। बिजनेसमैन ऐसी जगह पहुंचा जहाँ उसके सामने एक बहुत बड़ी नदी थी, जबकि जिस गाँव में वो फैक्ट्री खोलना चाहता था वह गांव नदी के उस पार है। अब बिजनेसमैन के सामने दो ऑप्शन हैं। पहला, वो जो सड़क के रास्ते से घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें लगभग 8 से 9 घंटे समय बर्बाद होंगे उसके, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है डायरेक्ट वहां पहुंचने का। और दूसरा रास्ता ये है कि वो 15 से 20 मिनट में नाव में बैठकर नदी को पार करके गाँव तक पहुँच जाए। तब बिजनेसमैन ने अपना टाइम बचाने के लिए उस दूसरे रास्ते को चुना और उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत छोटी थी, जिसमें एक तरफ नाव चलाने वाला बैठा था। जब नाव किनारे से थोड़ी दूर पहुंची, तब बिजनेसमैन ने नाव चलाने वाले से पूछा, तुझे पता है आज तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव चलाने वाले ने बड़े ही सरल स्वभाव से और हाथ जोड़कर बोला, अरे साहब, मैं नहीं जानता आपको, आप कौन हैं? तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती रहती है अखबार में और समाचारों में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझ अनपढ़ को कहाँ पढ़ना लिखना आता है। बहुत पहले जब मैं छोटा था, तब मेरे पिताजी गुजर गए, तो मैंने अपने परिवार का गुजारा करने और परिवार का ध्यान रखने के लिए मैंने छोटी सी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया और बचपन में ही नाव चलाने लगा, और तभी मेरी पढ़ाई छूट गई। ये सुनते ही बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, ऐसी जिंदगी किस काम की कि तुझे पढ़ना लिखना ही नहीं आता। ऐसा सुनकर नाव वाले को बहुत बुरा लगा, बल्कि बहुत बुरा लगा उसको, लेकिन वो शांत रहा, कुछ नहीं कहा उसने। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला कि कुछ दिन बाद ये जो सामने जमीन देख रहा है ना तू, यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री बनेगी और हम उस फैक्ट्री में पानी की बोतल बनाएंगे जो तेरे गांव में नहीं बिकेंगी, लेकिन शहरों में बाजारों में बहुत बिकती हैं। अरे कभी तू शहर गया होगा तो तूने देखा होगा दुकान के सामने पानी की बोतलें रखी हुई होती हैं दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी शहर ही नहीं गया, मैं तो इस गांव से भी बाहर नहीं गया। फिर वो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू इस गांव से बाहर नहीं गया, तूने देखा ही नहीं शहर कैसा होता है, अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो तूने इस गांव के अलावा और कुछ देखा ही नहीं, तू इस गांव से बाहर ही नहीं निकला, ऐसी जिंदगी किस काम की। ऐसा सुनकर उस नाव वाले को सच में लगने लगा था कि मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है। तभी नाव वाले का नाव से ध्यान हटा और नाव एक बड़े पत्थर से जा टकरा गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। जहां पानी भरने लगा वहां नदी की गहराई अधिक थी और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है, ये नाव अब डूबने से इसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अब ये नाव डूब जाएगी। और वो नाव वाला अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था कि बिजनेसमैन से उसने पूछा कि साहब, आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन घबराकर बोला कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। बिजनेसमैन की बात सुनकर नाव वाले को बहुत हंसी आई, वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या साहब, आपको तो तैरना ही नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि आपको तैरना ही नहीं आता। ऐसा सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुमको दूंगा, तुम जितना भी पैसा कहोगे मैं तुमको दूंगा, बस मुझे डूबने से बचा लो। नाव वाला बोला, अरे आप चिंता मत करो साहब, मुझे तैरना ही नहीं बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है, आप मुझे अच्छे से पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर नाव वाला अपनी जान पर खेलकर दोनों ही उस पार चले गए नदी के। ये जो कहानी है, उस कहानी से
हमको दो बातें सीखने को मिलती है। पहली बात, दूसरे को अपने आप से कम मत समझो या दूसरों को अपने आप से बेहतर समझो। और मैं एक वचन पढ़ता हूँ जो फिलिपिया उसका दूसरा अध्याय और उसका तीसरा वचन, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो पर दीनता से दूसरे को अपने से बेहतर समझो। क्या लिखा है? विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, किसी का विरोध मत करो, झूठी बड़ाई मत करो अपने आप की, लेकिन दूसरे को अपने से बेहतर समझो। ये परमेश्वर की आज्ञा है। सबसे पहले हमको ये सीखने को मिलता है कि बिजनेसमैन उस किस्ती वाले को वो कम समझता था, खुद को बेहतर समझता था, लेकिन उसी ने उसकी जान बचाई। दूसरी बात जो हमको सीखने को मिलती है कि परमेश्वर हमको जो भी बनाया बस हम बेहतर है, हम उत्तम ही है। अपने आप को कभी कोसो मत। एक कुम्हार जब मिट्टी के अलग अलग बर्तन बनाते हैं, मिट्टी एक ही होती है, हाथ भी एक ही होता है, और उसी हाथों से वो अलग अलग बर्तन बनाते हैं। वो फूलदानी बनाता है, उसमें फूल रख लिए रखे जाते, और जो फूलदानी होती है वो अमीर के घर में रहती है, क्योंकि फिजूल खर्च वही करता है। गरीब के घर में फूलदानी नहीं रहेगी, वो ऐसा फालतू खर्च नहीं करेगा, लेकिन अमीर के घर में ये फूलदानी रहती है, उसका कलर बढ़िया रहता है, उसकी डिज़ाइन भी अच्छी होती है, जो भी बाहर से आता है उसकी नज़रें वहाँ पर चिपक जाती है। लेकिन मिट्टी का तवा वो अमीर के घर में भी होता है, गरीब के घर में भी होता है। अमीर के घर में सोने का तवा होता है ऐसा नहीं होता है, उसको भी मिट्टी का तवा तो चाहिए। अगर बाजरे की रोटी बनानी है, मक्के की रोटी बनानी है, तो उसको भी तो चाहिए मिट्टी का तवा। तो अमीर के घर में भी होता है, गरीब के घर में भी होता है। ये मिट्टी का जो तवा होता है उसकी कोई खास डिज़ाइन नहीं होती, उसका कोई खास कलर नहीं होता, वो दिखने में खूबसूरत नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फूलदानी कभी भी आकर उस मिट्टी के तवे को ऐसा बोले, तू कोई काम का नहीं, मैं तेरे से बेहतर हूँ, देख मैं अमीर के घर में हूँ, और तू देख चूल्हे पर जलता रहता है। वो फूलदानी ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी उतना ही काम का है। और मैं तो कहता हूँ कि मिट्टी का तवा वो फूलदानी से भी बेहतर है, उससे भी ज़्यादा काम का है। तो परमेश्वर ने हमको जैसा भी बनाया है हम उत्तम है, चाहे आप गरीब घराने में हो, परमेश्वर के लिए मूल्यवान हो, आप मूल्यवान हो। एक पास्टर जो प्रचार करता है और उसके प्रचार से ढेर सारे लोग मसीह में आते, विश्वास में आते, और लोग उसकी वाह वाह करते, लेकिन मालूम है जिस जगह पर उसने प्रचार किया उस चर्च को झाड़ू किसने लगाया, पोछा किसने लगाया, उसकी सफाई किसने की? अगर ये सब नहीं किया होता तो क्या वो वहाँ पर प्रचार कर पाते? नहीं। तो झाड़ू लगाने वाला इतना ही मूल्यवान है, उसकी कीमत उतनी ही है, उसका काम इतना ही मूल्यवान है। अगर वो नहीं होता तो प्रचारक वहाँ प्रचार नहीं कर सकता था। अगर आराधना करने वालों ने आत्मा से सच्चाई से आराधना नहीं की होती और परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर नहीं आती तो कौन से चमत्कार होने वाले थे? इसलिए वो भी इतने ही मूल्यवान है। अब जो भी हो, जहाँ पर भी हो, जैसे भी दिखते हो, आप मूल्यवान हो, क्योंकि आप परमेश्वर के हाथों की रचना है। वो बिजनेसमैन वो जहाँ पर है वो मूल्यवान है, तो नाव वाला वो भी जहाँ पर भी है वो भी इतना ही मूल्यवान है। सभी लोग अपनी जगह पर उत्तम हैं। ये दो बातें हमको सीखने को मिलती है। अगर ये दो बातें आपके जीवन में रह गई, आपके दिल में उतर गई, आप बहुत आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, आप दूसरे को देखते हो, मैं इसके जैसा नहीं हूँ, ये कितना पढ़ा लिखा है, इसका घर कितना अच्छा है, इसकी कार कितनी, कब मेरे पास ये, कब मेरे पास वो। नहीं, आप जो भी हो, जहाँ पर भी हो, आप उत्तम ही हो। आपकी भी ज़रूरत है इस दुनिया में, उसकी है तो आपकी भी है। तो अपने आप को कम मत समझो और दूसरे को कम मत समझो। ये दो बात अपने जीवन में याद रखना। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।